नमस्कार, मैं प्रतीक मिश्रा रामा न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता विषय पर। इस खास विषय की चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामा यूनिवर्सिटी जुडिशियल साइंस के विभागाध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी। सर, इस खास प्रोग्राम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि धार्मिक स्वतंत्रता वास्तव में इसकी क्या परिभाषा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने धर्म के अनुसार जीने की आजादी, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीने की आजादी और अपने धर्म के जो यूसेज है, कस्टम्स है, उनके अनुसार जीने की आजादी। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए क्या प्रोविजन है? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। जी, तो 3 तलाक, जैसे आप जानते होंगे कि आजकल ये जो एक बहुत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है, काफी बहस चल रही है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का 3 तलाक को अगर लेकर के इसको देखा जाए तो क्या मतलब इसका? संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में पर्सनल लॉस को प्रोटेक्शन दिया गया है। जी, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को पूरी आजादी है जिस धर्म की, उसके अनुसार वो अपना रह सकते हैं। और ट्रिपल तलाक, चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ का पार्ट है, हम जबरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो पार्ट 3 के अगेंस्ट हो जाएगा, जो संभव नहीं। तो अगर जैसे कोई भी इंसान है जो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता है, जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो कानून इसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया नहीं जा सकता, क्योंकि हर आदमी को अपने अनुसार जीने की आजादी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडियन पेनल कोड में पुलिस को जाके FIR कराइए, वो कार्रवाई करेगी। सर, आप धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर लोगों को क्या संदेश देंगे? धर्म ईश्वर और मनुष्य के बीच का इंटरनल रिलेशनशिप है जी, और इसके लिए कहीं एक्सपोजर की जरूरत नहीं है और न तो किसी को किसी में झांकने की जरूरत है जी। ये पर्सनल मैटर है और हर आदमी की इच्छा है कि वो जैसे चाहे ईश्वर से तादाद में स्थापित करे। सर, इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा रामा न्यूज पर, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।